हेलो दोस्तों, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल स्वाद स्वदेशका में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर रेसिपी। आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं हमने ले लिया है 2 किलो दूध और इसे हम अच्छे से उबालेंगे। और हमने 150 ग्राम चावल दूध में भिगो के रख लिया था, ये भीग चुका है। अब इसे हम गैस में चढ़ा लेंगे। अब इसमें हम उबला हुआ दूध ऐड कर लेंगे। खीर को हम लो फ्लेम में ही पकाएंगे। ये हमने दूध ऐड कर लिया है। अब इसे हम ढक के 35 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देंगे। हम खीर को लो फ्लेम में पकाएंगे, इसलिए हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी और रबड़ीदार भी बनेगी। इसको हमने बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे हमारी खीर तले में न लगे। अभी हमारी खीर अच्छी से नहीं पकी है इसे, और हम ढक के रख देंगे, पकने देंगे। अब इसे हम 10 मिनट तक और लो फ्लेम में ढक के पकने देंगे। हमें पूरा नहीं ढकना है, किनारे थोड़ा सा छोड़ना है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे, हमारी खीर पक चुकी है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए। हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी और रबड़ीदार बन रखी है। हमने इसमें न मावा, न मिल्क पाउडर, न मिल्क मीड कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आप भी धीमी आंच में ऐसे पकाओगे तो खीर ऐसी बनेगी। अब इसके लिए हम लेंगे ड्राई फ्रूट, कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते, किशमिश और कटे हुए काजू। अब हम ड्राई फ्रूट को खीर में ऐड कर लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट खीर में ऐड कर लिए है, उसे हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे लो फ्लेम में ही 1 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ीदार बन रखी है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करने के लिए निकालेंगे। अब इसे हम ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल के अच्छी से सजा लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट को काट के डाला है, आप कूट के भी सजा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको और आपके परिवार वालों को ये खीर बहुत पसंद आएगी, और जब आप ये खीर बनाओगे तो आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।